थाना सेक्टर 20 नोएडा द्वारा फर्जी जीएसटी फॉर्म तैयार कर हजारों करोड़ के राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले ग्रोह का पर्दाफाश। साइबर आईटी सेल व थाना सेक्टर 20 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी सहायता व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए फर्जी जीएसटी फॉर्म तैयार कर सरकारी राजस्व की क्षति करने वाले ग्रोह के 4 अपराधी को त्रिनगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से सूची फर्जी फॉर्म, कुल 250 फर्जी स्टैंप, 41 फर्जी सिम कार्ड, 54 फर्जी आधार कार्ड, 18 फर्जी पैन कार्ड, 16 बैंक पासबुक, 2 बैंक चेक बुक, 20 लैपटॉप, 3 पासपोर्ट, 1 कार्ड स्वाइप मशीन, 1 पेन ड्राइव, 18 ड्यूएल, 1 इंटरनेट राउटर एक बरामद हुई है। नोएडा से उपेंद्र सिंह तोमर की खास रिपोर्ट। कि एक जीएसटी का बहुत बड़ा स्कैम पूर्व में नोएडा पुलिस ने ही ब्रस्ट किया था, जिसमें 25 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और काफी मात्रा में अभी लोग उसमें जो है वो हमारे वांछित हैं। उस सभी डाटा को भी पूर्व में हम लोगों ने एनालाइज किया था। एनालाइज करने के बाद जो है वो टेक्निकल कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे जिसको हम खंगाल रहे थे, और इसमें जो अर्चित और अंचित दो लोग थे जो अभी वांटेड है हमारे, जिनमें इनाम भी घोषित है, उनकी तलाश की जा रही थी। उसी क्रम में कुछ हमें टेक्निकल इनपुट मिला था, जिसमें हमने रेड करके 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक निशांत अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो अंचित का मित्र है, और अंचित के दिए हुए डाटा और इन लोगों ने खुद भी कुछ डाटा अपना जनरेट करके, वो पूर्व में जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसी आधार पे, उसी तरह से इन्होंने लगभग 250 कंपनियां जो है वो फर्जी बनाई थी। ये 250 कंपनियां विभिन्न जो है वो क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें रॉ मटेरियल्स है, मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है और अन्य तरह की हैं, जिनको हम अभी जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। इन फर्जी कंपनियों से जो है ये उसी तरह से जैसे पूर्व में अर्चित और अंचित जो है वो गवर्नमेंट को चूना लगाते थे, ठगी करते थे, उसी तरह से ये भी जो है वो ठगी करते थे और ईवे बिल जनरेट करके जो ITC होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, उसको जो है गवर्नमेंट से जो है वो लेते थे। इसी क्रम में जो है वो भारी मात्रा में इनसे फर्जी स्टैम्प पेपर, सिम कार्ड्स, चेक बुक्स, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो है हमें कुछ अकाउंट्स की डिटेल मिली है, जिसमें हमारी टीम ने लगभग 3 करोड़ रुपये अभी तक फ्रीज कराया है और अभी टीम इस पर काम कर रही है, ये राशि और भी बढ़ सकती है। क्योंकि अंचित और अर्चित दोनों जो है हमारे वांटेड हैं, तो इस व्यक्ति को भी, निशांत को भी ये शक था कि ये भी अरेस्ट हो सकता है। इसी क्रम में ये पहले दिल्ली में काम करता था, उसके बाद ये अपने आप को जो है वो वहाँ से शिफ्ट करके बॉम्बे चला गया था, परंतु बीच बीच में ये आता था और इन कामों को अपने जो ये 4 साथी इनके पकड़े गए हैं, इनके माध्यम से अंजाम देता था। क्योंकि जब ये आया और इसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में जो है वो हमने रेड की और ये 4 लोग पकड़े, परंतु वो नहीं मिला। उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स थी वो हमें जो है इनके लैपटॉप्स और कंप्यूटर से बरामद हुई है, और वो टेक्निकल डिटेल्स में जिसमें ID है, पासवर्ड्स हैं और कंपनियों की डिटेल्स हैं, उसको हमारी टीम अभी जो है वो एनालाइज कर रही है। कुल मिलाकर के ये उसी तरह का जो है एक पैरेलल सिस्टम चलाते थे। आज इन सभी 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, इनसे जो है वो फर्दर और पूछताछ भी की जाएगी, आगे जरूरत पड़ेगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड भी हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ जो इसमें डाटा हमें मिला है, इस पूरे डाटे को जो है वो हम उसी तरह से जो है एनालाइज करेंगे, कौन कौन ऐसी फर्म्स हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का ITC जो है वो फर्जी ईमेल के थ्रू क्लेम्स करते थे, और ये जो पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स, सिम कार्ड्स जो मिला है ये किन लोगों के हैं, वो व्यक्ति एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या किसी की फर्जी ID लेकर के इसको जो है क्रिएट किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर आगे पुलिस जो है जाँच करेगी।